ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले तो इनका डेली प्रैक्टिस था, 2-3 महीने तक इनकी डेली प्रैक्टिस थी, यही इनका रूटीन था सुबह उठ के जाना और फिर आना। फिर 2017 में इनकी 13th मार्च की शायद फ्लाइट थी, होली वाले दिन की नाइट की फ्लाइट। फिर यही इनको दिल्ली में कैंप में रखा था जाने से पहले, वापिस आए थे तो भी वहीं पे कैंप में लेके गए थे। फिर इनकी सेरेमनी हुई थी नॉट प्लेस में, सीओटी में, इसका नाम मुझे याद नहीं है, फेलिसिटेशन हुआ था इनका। तो उसके बाद इनको हमने हैंडल आउट किया था। हार्ड वर्कर बहुत है, बहुत मेहनत करता है ये हर चीज़ में। इसको और बच्चों के बारे में जब स्कूल में पता चला कि वो बाहर जाके आए हैं, तब से इसको भी था कि मुझे बाहर जाना है। इसके मन में लगन थी कि इसको बाहर जाना ही जाना है। बीच में जब ये थोड़ा हुआ कि अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो इसको कोचेज ने बोला कि शायद इसका सिलेक्शन ना हो पाए, तो उस टाइम बहुत डिप्रेस हो गया था ये। लेकिन फिर एनी हाउ प्रैक्टिस करते करते नेशनल्स भी इसने गोल्ड मेडल जीता, इंटरनेशनल जीत के आया, तो फिर तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और पेंटी और सबको फैमिली को ऐसा लगा। मैंने प्रैक्टिस करवाई खूब, मैंने कहा रेस लगा इनके साथ, तो गिरता था, बहुत गिरता था। और भी कहते थे कि इतना गिरता है, इसके चोटें लगती हैं, क्यों आप इतना पीछे पड़े हो उसके। मैं कह रहा था नहीं, इसको लगन है, अगर ज़्यादा चोट इसको लगेगी तो ये मना करेगा ना, मैं क्या करूँगा, मैं तो लेके आऊँगा। जब तक प्रैक्टिस करता रहेगा तब तक सही है। वो करते करते इसकी मेन तरंग लाई और ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने बोला कि बाहर जाना है, डॉक्टरी होगी, इसके रह पाएगा। मैं कहा बिल्कुल रह पाएगा, क्यों नहीं रह पाएगा। कह रहे यहाँ पे कैंप कोई अटेंड करा है, झारखंड करा था, उसके बाद दिल्ली के एक आश्रम में इनका कैंप लगा था, वहीं रहा था ये। उन्होंने कहा ठीक है सिलेक्ट है, चला गया वहाँ से मेडल लेके आ गया। अब खुशी तो होती है।